हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। तो अगर आपका बेबी अभी होने वाला है या आपकी डिलीवरी अभी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एज ए न्यू पेरेंट्स कई बार हमें नहीं पता होता, जैसे आपकी डिलीवरी होती है, आपका छोटा सा बेबी होता है, तो क्या क्या चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा केयर करना है स्टार्टिंग कुछ डेज में, कई बार हमें नहीं पता होता है। तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या बेबी आपका अभी अभी हुआ है तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करूँगी। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बात कर रही थी, आपका बेबी अगर अभी होने वाला है या जस्ट आपका बेबी हुआ है तो उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। या होता क्या है कि कई बार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं बेबी के साथ में या आपके साथ में, तो आप थोड़े से वरिड हो जाते हो, तो उन सबको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इनिशियल डेज में आपको फेस करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है बेबी के कॉर्ड का, जो बच्चे के पेट में बच्चे की नाभि के साथ में जुड़ी होती है। होता क्या है कि जब बच्चा आपके पेट में होता है तो वो जो कॉर्ड होती है वही पूरी कनेक्टेड होती है आपके साथ में, बच्चे का जो भी फूड उसको मिल रहा होता है, जो भी ऑक्सीजन मिल रहा होता है उसी कॉर्ड के थ्रू उसको मिल रहा होता है। बट जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, बेबी आपका इस वर्ल्ड में आ जाता है, तो उसके बाद में इस कॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो होता क्या है कि जब डिलीवरी होती है तो एक कॉर्ड जो है आपकी बच्चे के साथ में काट दी जाती है, बट जब बेबी होता है तो बेबी के नाभि के साथ में वो छोटा सा कॉर्ड का एक पार्ट जो है आपको लटकता हुआ दिखेगा, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार उसमें हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं और कई बार उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये जो कॉर्ड है या जो भी पीस है ये कब तक निकल जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि कुछ भी आपको इसको टच नहीं करना है, ये अपने आप से ही निकलता है। कुछ बच्चों के साथ में एक हफ्ते में निकल जाता है, कुछ बच्चों के साथ में 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं, कुछ केसेस में एक महीना भी लग जाता है। बट यूजुअल अगर मैं टाइम करूँ तो 7 to 10 डेज में या मैक्सिमम 15 डेज में ये जो कॉर्ड है बच्चों का निकल जाता है और अपने आप ही निकल जाता है। फिर आपको जो इनिशियल डेज में ध्यान रखना है, जब तक ये कॉर्ड बच्चे के साथ में ही है, बच्चे की नाभि के साथ में ही है, उतने टाइम तक आपको बच्चे का जो एरिया है वो ड्राई रखना है, उसको गीले नहीं होने देना। तभी डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं कि बच्चे को बाथ वगैरह ना दें जब तक बच्चे का कॉर्ड जो है वो हट ना जाए, क्योंकि वो गीला हो जाता है, फिर उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और कई बार क्या होता है, जब ये कॉर्ड निकल जाता है उसके बाद भी जो एरिया रह जाता है वो थोड़ा सा रेड होने का, थोड़ा सा स्वेलिंग होने का ये चांसेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हो। कुछ पाउडर्स आते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं बच्चे की नाभि पे लगाने के लिए कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, तो उस केस में आप डॉक्टर से जो भी ऑइंटमेंट या पाउडर वो रिकमेंड करें वो आप बच्चे को लगा सकते हो। तो कॉर्ड का जो है आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टार्टिंग डेज में जब आपकी डिलीवरी हुई होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो, बट स्टार्टिंग में आपको जो है ब्रेस्ट फीड कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट जितना जल्दी हो सके, जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर दें कि अब बच्चे को दूध पिलाने के लिए रेडी हो, तो उस केस में आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैक्सिमम एफर्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग डेज में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ट्राई करना शुरू कर देते हो या मैक्सिमम बच्चे को अपना ही दूध पिलाते हो, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, और जितना ज़्यादा आप डिले करते हो तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, फिर उसको जो है वापस से उतना ही मिल्क प्रोड्यूस होने में बॉडी को जो है टाइम लग जाता है। तो जितना जल्दी हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराएं। और नॉर्मल डिलीवरी है तो थोड़ा जल्दी आप कर देते हो, सी सेक्शन है तो थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए होता है, 24 आवर्स या 48 आवर्स, जैसे भी आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, तो उसके हिसाब से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो है करा सकते हो। फिर ब्रेस्ट फीडिंग में भी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी कि जब आप न्यू पेरेंट बनते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। तो होता क्या है कि आप पोस्चर करेक्ट नहीं रख पाते हो, उसकी वजह से आपको पेंस वगैरह होते हैं, उसकी वजह से जो है ब्रेस्ट लटक जाते हैं। थोड़ा सा पोस्चर का भी आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि क्या पोस्चर आपका होना चाहिए। बट आप कभी भी झुक के बच्चे को दूध ना पिलाएं, जब भी बेबी आपकी गोदी में है तो थोड़ा सा ऊपर करके उसको आप दूध पिलाएं, ताकि जो है आपके ब्रेस्ट लटके नहीं, आपका पोस्चर करेक्ट रहे, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे के जितने भी वैक्सीनेशन है,
आप पहले तो मैं आपको कहूँगी जब आपकी डिलीवरी होने वाली है तभी आप डॉक्टर से थोड़ा सा कंसल्ट कर लें कि कब कब टाइम पे कितने कितने मंथ्स पे या कितने कितने डेज पे बच्चे को वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होता है या कौन कौन सा वैक्सीन बच्चे को लगना है ताकि आपको एडवांस में ही पता हो। और कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जब डिलीवरी के बाद विदिन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को जो है वैक्सीन लगना होता है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई है या इनफैक्ट मैं कहूँगी डिलीवरी से पहले ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि आपको अच्छे से पता हो कि कब आपके बच्चे को वैक्सीन लगनी है और वो टाइम पे लग पाए। वैक्सीन लगना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो वैक्सीन तभी टाइम पे लग पाएगा जब आपको पता होगा कि बच्चे को कौन सी वैक्सीन किस टाइम पे लगानी है, तो उस चीज़ का आप बेटर ध्यान रख पाएंगे। फिर जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बच्चे के वेट का, बच्चे के वजन का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? होता क्या है कि बर्थ वेट आपको पता होना चाहिए। यूजुअली जो इंडिया में बच्चे पैदा होते हैं वो होते हैं 2 किलो से लेके मैक्सिमम हम जाएँ तो करीब करीब 4 किलो तक। तो जितना भी आपके बच्चे का वेट है उसके हिसाब से आप आगे वेट उसका मेजर कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ रहा है दैट मीन्स बच्चा ठीक है। अगर बच्चे का वेट गेन होना आगे बंद हो जाता है या वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, ये रेगुलरली आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर कम हो रहा है या वेट नहीं बढ़ रहा है तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये आपको तभी आप कर पाओगे जब आपको बच्चे का बर्थ वेट पता होगा और रेगुलरली आप वेट जो है चेक करते रहोगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब बच्चा पैदा होता है जितना बच्चे का वेट होता है तो करीब करीब 1 हफ्ते तक जो है बच्चे का वेट गिर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विड बॉडी में भरा होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड्स बॉडी में भरा होता है। तो उस केस में 1 हफ्ते तक बच्चे का वज़न गिर सकता है, बट करीब करीब 1 हफ्ते बाद से बच्चे का वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज़ जो और आपको परेशान करती है वो है बच्चे की पॉटी और बच्चे के पॉटी का कलर, जो कि शुरू के 15 दिन तक अलग अलग हो सकता है। बच्चे की पॉटी ब्लैक हो सकती है, बच्चे की पॉटी ग्रीन हो सकती है और बच्चे की पॉटी का कलर येलो हो सकता है। तो उस केस में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो कर रखा है कि बच्चे का पॉटी का कलर जो है कौन कौन से डेज में या कितने कितने डेज में चेंज होता है और क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है। तो स्टार्टिंग 15 दिन में बच्चे का पॉटी का कलर कुछ भी हो सकता है, बट हाँ 15 दिन के बाद जो है ये रूटीन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को लेके भी आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और एक चीज़ का जो और आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि आप ये ध्यान रखो कि जब भी बेबी डिलीवर हुआ है, हालांकि जब भी डिलीवरी होती है तो आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, शुरुआत के 24 घंटे आप हॉस्पिटल में ही होते हो, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बच्चा एक बार ही पॉटी ज़रूर कर ले। वो डॉक्टर्स भी उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट आपको भी इस चीज़ का साथ में ध्यान रखना है कि बच्चा 24 घंटे में एक बार ही पॉटी कर ले, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चे के सोने के बारे में। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा रात को सोएगा और दिन में जगेगा। बच्चा जो है एक तो इस टाइम पे मैक्सिमम सोता रहता है। बच्चा तभी जगता है जब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, और वो अनकंफर्टेबल कब होता है? जब उसको भूख लग जाती है या फिर उसने यूरिन पास किया हो या पॉटी करी हो, तो उस केस में थोड़ा सा डिसकम्फर्ट उसको हो रहा होता है। इन्हीं दोनों केस में बच्चे जो है जगते हैं, अदरवाइज़ इस टाइम पर बच्चे मैक्सिमम सोते रहते हैं। बट फिर भी इस टाइम पे बच्चे का कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं होता है। बच्चे किसी भी टाइम पे जग सकते हैं, बच्चे किसी भी टाइम पे सो सकते हैं। और इस टाइम पे मतलब इनिशियल डेज में ऐसा देखा जाता है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो रात को जगते ही हैं, पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशान करते ही हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चे को भूख ना लग रही हो। बच्चे ने पॉटी या सुसु किया है तो इमिजिएटली आप उसको क्लीन कर दें ताकि वो थोड़ा सा आराम से सो पाए, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बट बच्चा इस टाइम पर जितना सोएगा उतना ज़्यादा उसके लिए बेटर है। और उसकी नींद के लिए आप थोड़ा सा और भी कर सकते हो कि होता क्या है कि जब बच्चा आपके पेट के अंदर होता है तो काफ़ी छोटे से एरिया में होता है, काफ़ी गर्म एटमोसफेयर में होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा समर्स भी हैं, विंटर्स है तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है, बट अगर बहुत ज़्यादा समर्स भी हैं तो भी आपको एसी बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बिल्कुल आपने रूम को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया, तो उस केस में बच्चे जो है थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। रूम का टेम्परेचर जो है आपको 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक आप हमेशा रख सकते हो। अगर विंटर्स हैं तो आप थोड़ा सा वार्मर, थोड़ा सा हीटर आप चला सकते हो, उससे जो है बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। स्वेटलिंग का थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो, मतलब बच्चे को कपड़े में अच्छे से रैप करके आप अगर रखते हो तो बच्चे आराम से सो पाते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, रूम के टेम्परेचर का, थोड़ा सा बच्चे को रैप करने का। और भी आप एक चीज़ कर सकते हो कि
कोशिश करें जो मदर है वो मैक्सिमम टाइम बच्चे के पास में रहें। जब बच्चा सो रहा है तो काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट उसके साथ में आप रखें, ताकि क्योंकि बच्चा नया नया इस वर्ल्ड में आया होता है तो कुछ चीज़ों से डरता भी है, तो उसको सिक्योर फील हो, रिलैक्स फील करे। आप जितना हो सके उसको अपना टच दीजिए, आप जितना हो सके बच्चे को अपने पास रखिए, बच्चे को अपने पास ही सुलाइए। तो ये इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा बच्चे को हेल्प करता है। और जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बच्चे के नहाने का। ये भी बहुत क्वेश्चन होता है कि बच्चे को कब से नहला सकते हैं, किस तरीके से नहला सकते हैं, क्या रोज़ बच्चे को नहलाना ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात के लिए जो डॉक्टर्स का कहना होता है वो यही होता है कि जब बच्चे का कॉर्ड निकल जाए, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात किया है, बच्चे के नाभि के साथ में जो जुड़ा रहता है, जब वो निकल जाए और बच्चे को नाभि में कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, जब वो बिल्कुल क्लियर हो गया, उसके बाद रिकमेंडेड होता है कि आप बच्चे को नहला सकते हो। बट उससे पहले अगर आप नहलाना चाह रहे हो, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया है, आपको रिकमेंड कर दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जैसे आपने नहलाया तो फटाफट से बच्चे की बॉडी जो है क्लीन कर देनी है, थोड़ा डैप डैप करके ड्राई उसको कर देना है, ताकि वो गीला ना रहे। मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के उसको अच्छे से आप कपड़े पहना दीजिए। तो नहलाने का जो प्रोसेस है या तो कॉर्ड के बाद ही कीजिए, या कॉर्ड से पहले आप कर रहे हैं तो बच्चे की बॉडी को अच्छे से सुखा के फिर जितना जल्दी हो सके बच्चे को कपड़े जो है आप पहना दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि रोज़ बच्चे को नहलाना ज़रूरी है? तो रोज़ अगर आप बच्चे को नहला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं नहला सकते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन भी अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं तो काफ़ी है। बट जिस दिन आप नहीं नहला रहे हैं उस दिन बच्चे को स्पॉन्ज बाथ जरूर दे दें। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया, एक आपने कपड़ा ले लिया, उससे बच्चे की बॉडी को आपने पोंछ दिया, क्लीन कर दिया, तो आप स्पॉन्ज बाथ भी बच्चे को दे सकते हैं। डेली बच्चे को पूरा पानी से बाथ देना जो है ज़रूरी नहीं है। साबुन जो भी आप यूज़ करें बहुत ही ज़्यादा जेंटल, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होना चाहिए। बच्चे की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेली बच्चे का हेयर वॉश करना भी ज़रूरी नहीं है, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। मालिश जो है कोशिश करें कि डेली करें, मतलब जब से भी आपने स्टार्ट कर दिया है, एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, जब इसे भी आपके डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि अब आप बच्चे की मालिश जो है कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उसके बाद मालिश जो है वो रेगुलर आप करें, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, तो सैनिटाइजर्स और मास्क को बिल्कुल नहीं भूलें। जब भी आपका बेबी हुआ है तो कोशिश करें जितने कम लोगों के कांटेक्ट में बच्चा आए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। जो भी कोई बच्चे के साथ पास में जा रहा है, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के अगर कोई बाहर से बच्चे के पास में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि मास्क लगा के ही बच्चे से मिलें, बच्चे को टच करने से पहले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था आज का वीडियो, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आपका छोटा सा बेबी हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका हर पेरेंट को जो है ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।